वेलकम विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि हम जब भी देखते हैं कोई भी एक पॉइंट पे, अगर हम देखते हैं कोई भी, सपोज मैं कैमरे में देख रहा हूँ अभी, तो मेरा जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा वो ये होगा जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, बल्कि वो नहीं होगा जहाँ पे मैं यहाँ पे फोन पे दिख रहा हूँ। देखिए आपको टच दिख रहा है, नहीं यहाँ पे कैमरा है तो मैं वहाँ पे दिखूंगा, तो वो क्या होगी मेरी अभी के लिए आई साइट, ठीक है। तो अब ऐसे सपोज अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो मैं आपको पीछे बता देता हूँ, आपको वो पॉइंट दिख रहा होगा जो भी है आपको थोड़ा सा कैमरा, तो वो जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ से दिखूंगा तो मुझे वहाँ पे लग रहा है, लेकिन अगर आपकी कैमरे से मैं देखूँ तो वो यहाँ पे लग रहा है कहीं पे। तो ये डिफरेंस होता है जो हम देखते हैं, अलग अलग का अलग अलग आई साइट होती है। और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में ये पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन एंड तक ज़रूर देखना, पूरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर आप बड़े हैं, छोटे हैं, आपको ड्राइंग आती है, नहीं आती है, फिर भी ऑब्जर्व करके आपको करना है, कैसे करना है तो मैं वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस चलिए पेपर पे शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं पेपर पे आ चुका हूँ, मतलब जो है टेबल पे कैमरा रख दिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली कैसे ड्रॉ करना है। पहले आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना होगा सबसे मिडल में, और उसी की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे काफ़ी सारे। तो उसके लिए आपको ऐसे जो है चारों ओर लाइन्स लगा के बॉक्स बनाना है, एक स्क्वायर। तो गाइज़ मैंने चारों लाइन्स लगा दी। अब देखिए, अब मैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो है पॉइंट से बनाऊंगा। यानी कि देखिए, पॉइंट और जो अपने जो चार लाइन की जो कॉर्नर होगा 90 डिग्री का, वहाँ से लेके आपको लाइन लगानी है। आप स्केल से बनाना, स्केल से अच्छे से बनेगा तो स्केल से ही बनाना, और चारों साइड आपको ऐसे बनानी है। देखिए मैं बना रहा हूँ अभी, तो इसलिए मैंने टेप भी चिपकाया ताकि जो पेज है वो हिले डुले ना और आपको अच्छे से दिखे पेज ऑल टाइम जो है। और गाइज अब जो है हम और जो बाकी की लाइन जो ली थी पर्सपेक्टिव के लिए वो रफ कर देंगे। स्केल आपकी बड़ी होगी तो आप इजीली बना लेंगे लाइन, लेकिन जो है इसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। और अब मैं बनाऊंगा कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पहले मैं डोर बनाऊंगा। डोर बना के आपको बताऊंगा गाइस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या होता है पर्सपेक्टिव, कैसे करते हैं पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ। और देखिए आपको डोर की हाइट तो पता होगी, अगर आप साइड से देखते हैं कोई भी डोर को तो उसकी हाइट कितनी होगी वो आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है लाइन उतनी ऊपर नीचे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो है इससे लाइन हम लेंगे। और ये देखिए, ये जो लाइन हमें स्ट्रेट मिली, इतना जो पार्ट है वो हमें ले लेना है। डोर कौन सी जगह पर प्लेस करना है वो आप देख सकते हो गाइस अपने हिसाब से। और ये मेन जो है फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम तो गाइस चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम बनाएंगे इसकी विड्थ, यानी कि इसकी कितनी मोटाई है वो हमें बतानी पड़ेगी इसमें, तो वही हम बनाएंगे अब। तो इसके लिए हम पहले जो है स्लाइडिंग लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एट 45 डिग्री, और ये जो है ऐसे ऊपर की लाइन हम ऐसे बनाएंगे, बाकी जो गाइस नीचे की लाइन है स्ट्रेट वो आपको खुद बनानी है। यानी कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपको खुद बनानी है, और स्लैंटिंग लाइंस जो भी होती है वो आपको इसकी मदद से बनानी है। कुछ कुछ स्लैंटिंग लाइंस आपको खुद बनानी होगी। अब हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं गाइस, तो अब हम बनाएंगे एक एसी। एसी का आपको शेप की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें भी आपको शेप्स पता होने चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो शेप का जो साइड का होता है एसी, तो साइड से कुछ ऐसा दिखता है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। आपका एसी जो शेप का हो उसे ऐसे आपको करना है ड्रॉ। तो गाइस देखिए, अब एसी जो है, अब हम बहुत मोटा तो बनाएंगे नहीं, मतलब बहुत लंबा तो बनाएंगे नहीं, तो उसकी एक जो है लिमिट होगी, तो वो जो रेक्टेंगुलर जो लिमिट होगी वो हम सेट कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मुझे सपोज़ इतना पतला बनाना है, इतना मोटा बनाना है, कैसे बनाना है वो आप खुद देख सकते हो, आपको पता है गाइस। शेप अलग है और जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होगा, तो
शेप आपको खुद जो है ऑब्जर्व करके ही करना पड़ेगा कैसा शेप है। तो शेप तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, बाकी का पार्ट फिर से रफ कर देना है। ऐसा कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और अब अंदर का भी हम थोड़ा जो है रूम का मेन दे देते हैं। तो वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे लगाई और जो साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन सी है जो भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लाई और ये पार्ट बना। तो इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं रफ कर दूंगा और उसका ऑपोजिट यानी कि 90 डिग्री पे बना दूंगा। तो आपको लग रहा होगा गाइस कि अंदर की ओर भी एक और रूम है, तो ऐसे आप रूम बना सकते हो अंदर का। और ये दीवार की आप थिकनेस स्केल के अकॉर्डिंगली अच्छे से बना सकते हो, मैंने ऐसे ही बनाया। और यहाँ पे सपोज गाइस मुझे कोई बॉक्स बनाना है ऊपर की साइड, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहले तो आपको 2D शेप में बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे लेट ड्रेक हो गई। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो है, ये आप ऐसी लाइन्स आपको खुद बनानी है। और बाकी किस मैंने रफ कर दी, तो ये बॉक्स बनाते हैं अब जो लेट ड्रेक हो गई थी। तो और ये आपको नॉर्मल एक स्क्वायर बनाना है, जैसे भी आपको शेप चाहिए गाइस वैसा बनाना है। अब देखिए, अब है इम्पोर्टेंट, जो ऊपर का हिस्सा है वो मैं पॉइंट से मिलाऊंगा। अब देख सकते हैं ऐसे मिल रहा है, नीचे का भी वैसे ही करूँगा, जो पॉइंट से है वैसे बना सकते हैं हम। ऊपर का भी वैसे ही बना रहा हूँ। मुझे यहाँ पे सपोज शेप जो है ख़त्म करना है। और अब गाइस जो नीचे का पार्ट है वो हम बनाएंगे। ये पार्ट भी आप पर्सपेक्टिव से बना सकते हो, अगर बनाना हो तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये पार्ट ऐसे मिल रहा है कुछ गाइस, तो आप देख सकते हो। अब देखिए ये जो लाइन है ये मैं खुद बना रहा हूँ, जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो बाकी की लाइन्स है गाइस उसको रफ कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं गाइस जो ये है एक बॉक्स बन चुका है अच्छे से। तो आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो। और भी मैं कई चीज़ें बनाऊंगा, जैसे कि सपोज मुझे बनाना है यहाँ पे एक जो टेबल होता है नॉर्मल डोर जो होता है वो बनाना है इससे। तो नीचे ड्रॉर्स बनाऊंगा, तो नीचे ड्रॉर्स बनाने के लिए स्क्वायर बनाएंगे 3, जितने भी आपको बनाना है गाइस उसने आपको 2D शेप में बनाना है। फिर लाइंस की मदद से आप कर सकते हैं अच्छे से। तो बस वही है पर्सपेक्टिव, आपको ये सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी फायेगा आपको, वरना तो कैसा भी बनेगा। तो आप देख सकते हो। तो गाइस थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की आ रही होगी आवाज़, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब आ रही है। तो मैंने बिल्कुल इधर तक ली है कुछ इतने बॉक्सेस, और अब इनको हम ड्रॉअर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी लाइन इधर से यानी कि इतना। तो ये आपको पॉइंट के अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा, अपने रीच से आप नहीं बना सकते हो, जैसे पॉइंट मिल रहा है वैसे ही बनाना। अब आपको वर्टिकल लाइन बना देनी है और ऊपर का पार्ट भी आप बना लो इससे। देखो ये मैंने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ये लाइन खींची यहाँ से, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो खुद ही बनानी है। तो ये हमें मिल गया एक ड्रॉअर, यहाँ पे आप जो हैंडल्स होते हैं वो बना सकते हो। तो ये है गाइस शेप्स जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जर्व करके आप ये नॉलेज ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये ड्रॉअर एक बन चुका है। तो गाइस अब मैं आपको एक बेड बना के दिखाऊंगा। तो जो बेड होगा वो मैं यहाँ पे ही रखूँगा मिडिल में। तो बनाते हैं तो कुछ पहले तो पॉइंट के अकॉर्डिंगली
बोला था मैंने, बस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ मैं। हम जो है गाइस, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो मेन वॉल है यहाँ पे हमें जो भी शेप बनाना होगा वो खुद बनाना होगा, लेकिन साइड के शेप्स हम इसकी मदद से बना सकते हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये हमें कुछ शेप ऐसा मिला, और अब यहाँ पे आपको जो भी कुशन वुशन जो भी रखना होगा वो आप रख सकते हो अपने रिक्शे। तो ये सब आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारा रूम है वो रेडी हो चुका है। और ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको उसकी जो साइड फेसेस होंगे वो दिखेंगे, ऊपर का और नीचे का नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है नीचे का पार्ट दिख रहा होगा, और जो यहाँ पे आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं मिडिल में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो पार्ट गाइज आपको सिर्फ साइड्स ही दिखेंगे, क्योंकि वो हमारा आई लेवल है, यानी कि पॉइंट के बिल्कुल साइड में है, तो उसका हमें नीचे का ऊपर का हिस्सा नहीं दिखेगा। अब गाइज मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक रेलवे स्टेशन। तो गाइज अब जो रेलवे स्टेशन मैं बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा कि मैं जो हूँ रेलवे के बीचों बीच खड़ा हूँ। तो ये एक पॉइंट बना लेता है, और इस बार मैं स्केल का भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छे से बना पाए। तो अब मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूँ, तो दो लाइंस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेलवे ट्रैक, बस ऐसा ही था। इसके अंदर हम जितनी और डिटेलिंग करेंगे ये उतना ही गाइस ज़्यादा उभर के आएगा। तो वो तो आपको अपने हिसाब से करना होगा, आपको जितना डिटेल्ड वर्क बनाना है जैसा बनाना है आपको खुद बनाना होगा। तो आप देख सकते हो मैंने दो साइड दो बना लिए, और अब ये लग रहा है जैसे कि बीच में हम ट्रैक पे खड़े हो। तो ऐसे ही होता है रेलवे स्टेशन पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखने में भी बोर हो जाओगे, तो फटाफट बना रहा हूँ। इसकी दूसरी और तीसरी भी वीडियो मैं बना लूँगा जल्द ही और आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने रेलवे ट्रैक बना लिया, यहाँ से आपको अगर ट्रेन बनानी हो तो ट्रेन भी बना सकते हो। अब मैं साइड में प्लेटफॉर्म बनाऊँगा और वो उस प्लेटफॉर्म पर कुछ स्टॉल्स बनाएंगे, तो वो भी इस पॉइंट की मदद से प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो भी होगा गाइस दोनों साइड, वो पटरी से तो दूर ही होगा क्योंकि सेफ्टी के लिए। और अब यहाँ से आपको बनाना होगा प्लेटफॉर्म के गाइस कहीं ना कहीं तो एंडिंग जरूरी होगी आगे जाके ऐसे कहीं भी। इस साइड में कुछ रेलवेज बनाऊंगा पहले, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है पहले स्टॉल्स बना लेते हैं। और ये आई लेवल से बनाया, ये खुद बनाया, तो कुछ चीज़ें आपको खुद बनानी होगी। अब पिलर बनाएंगे, एक पिलर के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर खड़ा करेंगे। तो आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर खड़ा कर लिया। अब जो ये पॉइंट है इसकी ही मदद से हम बनाएंगे जो पिलर है वो, तो नीचे से ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा और दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो ये इसका जो साइड है जो होगा वो ऐसे दिखेगा। ये आपको गाइस ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा कैसे होगा सब कुछ, तो प्रैक्टिस करनी होगी, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। अब गाइस इसके ऊपर हम एक दो स्टॉल्स बनाएंगे जो कि हम देखते हैं, तो उन स्टॉल्स की जो गाइस
लाइन ऊपर का ऊपर की जो छत होगी वो बना रहा हूँ। अगर छोटी है नीची है तो ऐसे दिखेगी, और कोई शेप में दिखेगी तो आपको जैसे बनानी होगी। अगर आप सपोज ड्रोन से देख रहे हो गाइस, ड्रोन से तो वो अलग होगा नज़ारा, और ऐसे ही अलग होगा। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की जो छत होगी वो हमें गाइस नीचे का हिस्सा दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा क्योंकि हम नीचे खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ये जो है छत बन जाएगी। तो ये जो है वो छत हो गई, हमारे पीछे की ओर भी छत है तो वो पेज के बाहर आ गया। ऐसे ही आप और पिलर्स बना सकते हो अगर आपको बनाने हैं तो, नहीं बनाने हैं तो कोई ज़रूर नहीं, जितने डिटेल्स डालोगे उतना अच्छा लगेगा। और स्टॉल्स एक दो बनाने हैं हमें, तो स्टॉल्स भी ऑब्वियसली हमारे से बड़े होंगे। तीन लाइन्स देखिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा, और इनको पर्सपेक्टिव से बनाएंगे जिसके आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट की मदद से मैं यहाँ पे लाइंस लगा रहा हूँ नीचे की ओर, फेसिंग ज़्यादा ही हो गई। और ये इसके आपको बनानी है ऐसे, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी बन रही है। और अब आपको जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो भी पर्सपेक्टिव के जो पॉइंट है उसे बनाएंगे। फिर तो गाइस आप देख सकते हो ऐसा ही होता है ऑब्जेक्ट को भी। अगर आपका स्टॉल देखेंगे छोटा स्टॉल होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, कोई पानी पूरी वाले का या कोई समोसे का ऐसा कोई स्टॉल होगा तो ऐसा ही दिखेगा, बाकी और अलग दिखेंगे। तो वो तो गाइस देखिए मैं पर्सपेक्टिव का पॉइंट लेके ही बना रहा हूँ उसकी मदद से। तो ये कुछ ऐसा बना स्टॉल, अंदर आपको जो समोसा बमोसा जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो। और ये साइड का मैंने कुछ इतना बनाया, और अब इस साइड बनाते हैं और चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें और भी रेलवे जो है वो बनानी है, तो बस आप देख सकते हो ऐसे बनाएंगे, जैसे जो पट्टी है यहाँ पर बना लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर ट्रेन बनानी है तो वो भी आप पर्सपेक्टिव की मदद से बना सकते हो, अगर आपको बनानी है तो, नहीं बनानी है तो मत बनाओ। तो कुछ ऐसा बना रेलवे ट्रैक, साइड का ट्रैक है तो ऐसा ही होगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन बात नहीं हो तो चलेगा। तो ये हो गई साइड की ट्रैक, ऐसे आप काफी सारे ट्रैक्स बना सकते हो। और यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे क्योंकि ट्रैक फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी बनाना सिखाऊंगा, वो भी जल्द ही वीडियोस बन जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी आप बना सकते हो, आपको जो भी बनाना हो वैसा बना सकते हो आपकी मर्जी से। तो ये तो हो गया गाइस। अब यहाँ पे सपोज अगर मुझे होती नहीं है वैसे बस, लेकिन अगर मैं आपको बना के बताऊँ सिर्फ बस बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है आपको, तो ऐसे कुछ ऐसे लाइन लूँगा
थोड़ा तो गाइस अपने बेसिक तो होना ही चाहिए ऑब्जर्विंग। तो देख सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस जो होती है वो देखिए। पॉइंट तीनों पॉइंट लिए, यहाँ से कट लगाया हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट लगाए। यहाँ पे खिड़कियाँ बना देंगे, ये भी पर्सपेक्टिव से होगा। ज़्यादा डिटेल्स बनानी हो तो आप ऐसा बना सकते हो, कैसे बनानी हो आपको बना सकते हो। और सामने का हिस्सा आपको खुद बनाना होगा, वो पर्सपेक्टिव से नहीं बनेगा गाइस, वो आपको खुद बनाना होगा। जैसा आपको इंजिन बनाना है, मुंह बनाना है, जो बनाना है बना सकते हो। तो ऐसे ही आपको बनाना होगा। आई होप गाइस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप पर्सपेक्टिव पे बना सकते हो। तो अब हम एक तीसरे पेज पे एक बनाना ट्राई करेंगे, दो तीन बिल्डिंग और रोड। तो गाइस दोनों पर्सपेक्टिव बनाने के बाद अब हम पहुँचे हैं तीसरे पर्सपेक्टिव पे, यानी कि मतलब दोनों मैंने एग्जांपल सबको बताया कैसे बना सकते हो पर्सपेक्टिव पे। ये पॉइंट लिया, अब इससे हम बनाएंगे कुछ बिल्डिंग्स और रोड वगैरह वगैरह। तो अगर इससे रोड बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, देख सकते हो। रोड पे तो गाइस आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि एकदम अगर आप दूर देखोगे तभी आपको दिखेगा। आपकी आई साइट जो है ऐसी होनी चाहिए, फिर आपको ऐसा दिखेगा मतलब। तो ये बन गई रोड। तो अब हमारे साइड में भी एक रोड होगी ही, क्योंकि अगर टू लेन होगा, हाईवे होगा या जो भी होगा उसके लिए इसे भी रोड बना देंगे। लीड्स ले यहाँ पे बन जाएगा। आपको गाइस एरिया थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कितना होता है तो पता चलेगा आपको। तो देख सकते हो मैंने ये पार्ट बनाया ऐसे, या फिर रोड खत्म नहीं होती। तो ये बन गई रोड दोनों, ये नॉर्मल आपको शेप ही लग रही होगी है ना। तो गाइस चलो इस पर कुछ बनाते हैं, इससे हम एक कार बनाते हैं, हम जो रोड पे खड़े हैं उस पर। तो कार बनाने की पर्सपेक्टिव का पॉइंट, यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ कि जैसे जो कार है उससे हम ऊपर की ओर है। ऐसी होती है कार शायद से, और तब को जैसे बनानी हो ऐसे आप बना सकते हो, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे व्हील्स आ जाएंगे। पर्सपेक्टिव इसमें नहीं होगा, व्हील्स पे व्हील्स आपको खुद बनाना है। तो ये बन गई जैसे जैसे कार आपको। अब हम जो है साइड की बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये भी बनाना है। तो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में गाइस आप अच्छे से बिल्डिंग बना सकते हो। सपोज मुझे इतनी हाइट की बिल्डिंग बनानी है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल लाइन ले ली। अब देखिए यहाँ से हमारी जो बिल्डिंग है इतनी ही इसकी चौड़ाई है, तो वैसी लगेगी वो। तो आप जो हो बिल्डिंग से थोड़े नीचे हो तो आपको ऐसे बनाना होगा। तो अब ये वापस जो वर्टिकल लाइन होती है वो लगा दीजिए। अगर आपकी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है तो आपको बस नॉर्मल सी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। तो ये हो गई गाइज आपकी एक बिल्डिंग रेडी, थोड़ी बॉक्स जैसे लग रही है लेकिन है ये बिल्डिंग। अब आपको जो भी इसके शीशे बनाने हैं, जो भी पार्ट बनाना है, जो भी बनाना होगा,
पॉइंट की मदद से बना सकती हो, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो आपको जितनी डिटेल्स बनानी है बना सकते हो। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाउ टू ड्रॉ इन अ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, और नॉलेज भी आपको मिल गई होगी कैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना वगैरह वगैरह जो भी होता है। और बिल्डिंग बनानी है तो उससे भी ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो इससे भी ऊंचा जो पॉइंट ले लो, ये जो साइड में अगर टचड है तो वही लाइन ले लो, ये ले लो ऐसे ऐसे ऐसे, बस दूसरे भी बिल्डिंग बन गई। उसके भी जो भी आपको खिड़कियाँ जो भी बनाना है वो उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है वीडियो में कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट्स का आंसर देता हूँ। अगर आप नहीं मानते हो तो दूसरे वीडियोस की कमेंट्स चेक कर लो, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता हूँ। तो ये वीडियो में तो गाइस इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।